नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के भट्टू इलाके के अनाज मंडी में सीवर के ओवरफ्लो की समस्या को लेकर जन अधिकार मंच द्वारा सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जन अधिकार मंच के प्रधान अजीत माचरा ने बताया कि हल्की बारिश के बाद ही भट्टू मंडी इलाके में सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है। भट्टू मंडी के गेटों पर सीवर का पानी इतना जमा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति मंडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अजीत माचरा ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन भट्टू इलाके की मंडी में सीवरेज का पानी जगह जगह ओवरफ्लो हुआ देखा जा सकता है। जन अधिकार मंच के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्दी ही सीवरेज समस्या का हल नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। लोगों ने कहा कि कई वर्ष पहले सीवर लाइन डाली गई थी, जो कि अब छोटी हो चुकी है। कुछ लाइन में आसपास के इलाकों के कनेक्शन जोड़ दिए गए, जिसके कारण ओवरफ्लो रहती है। मंच के सदस्यों ने बड़ी पाइपलाइन डालने की अपील की। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। स्वच्छ भारत का नारा देती है और कहते हैं कि हमने स्वच्छता के ऊपर बड़ा भारी जोर दिया है, लेकिन दूसरी ओर जो सरेआम जो है हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर, जैसे विशेष तौर से हमारी मंडी में भी, एक या दो सेंटीमीटर बारिश होने के बाद में पूरी मंडी जो है उसके अंदर जल भरा हो जाता है। ना बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध है, और ये जो सीवरेज आज से 50-60 साल पहले इस्तेमाल के टाइम जब ये मंडी पड़ी थी, उस टाइम की छोटी सीवरेज है, और धीरे धीरे इसके साथ सारे जो दूसरी कॉलोनियाँ हैं उनको इसके साथ जोड़ने से उसकी क्षमता कम है। तो हमारी पूरी मंडी की ओर से, पूरी जनता की ओर से ये मांग है कि ये जो पुरानी सीवरेज है, इसका साइज जो है इसको दोबारा बिछाया जाए, बड़ी ये सीवरेज लगाई जाए, पर तुरंत अविलंब जो है सरकार ध्यान दे। और अभी तो एक टोकन के रूप में जो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, और इस गूंगे और बहरे प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर गौर करके इन समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो पूरी मंडी के लोग और गाँव के लोग इकट्ठे होकर के बड़ा प्रदर्शन करेंगे या रास्ता जाम करेंगे।